आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 16.6। क्या दिया है? एक्स इज 8, 12, 15, पी 20, 25, 30 एंड एफ इज 12, 16, 20, 24, 16, 8 एंड 4। नाउ तो इसमें देखो आपका क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमको पी की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड, इसने दे रखा है मीन इज 16.6। ठीक है ना, तो मीन का पहले फॉर्मूला लिखते हैं और पी आपका कहां पर है? यहां पर। तो मीन का फॉर्मूला, तो मीन इज इक्वल टू, वी कैन से इट्स अ सिग्मा, दैट मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स को एक्स आई कर देंगे, एफ को एफ आई कर देंगे। ठीक है, सेम, कोई चेंज नहीं, सिर्फ लिख देंगे। तो ये देखो आपका क्या आएगा, एक्स आई एंड एफ आई। ठीक है, तो ये आपका है 8, 12, 15, पी 20, 25 एंड 30। ठीक है ना, और यहां पर एफ आई देखो आपका क्या है, 12, 16, 20, 24, 16, 8 एंड 4 ना। तो यहां पर देखो क्या दिया है, एफ आई एक्स आई, दैट मीन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट इज योर एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई करो 8 × 12 इज 96, है ना। तो हमारा आ गया यहां पर 96। नेक्स्ट 12 × 16, तो 12 × 16 करके देखो कितना आ रहा है। तो आई कैन से 160, 160 प्लस 32, तो 192। तो ये आपका आ गया 192। नेक्स्ट, दिस इज योर 300, 15 × 20 इज 300, और ये है आपका p × 24 इज 24p। तो इसके अंदर नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इन साइड 24p। ठीक है नाउ नेक्स्ट, ये आपका आ गया 320, है ना, 320। नेक्स्ट 25 × 8 इज 200। नेक्स्ट 30 × 4 इज 120। ठीक है, नाउ इसने दिया है ये सिग्मा, दैट मीन्स ऐड। तो ये भी ऐड करना है और एफ आई भी ऐड करना है, दैट मीन्स दिस। ऐड करते हैं, देखो क्या आ रहा है आपका, 12 एंड 16 इज 28, 28 + 20 इज 48। 48 × 24, 48 + 20 इज 68 + 4 इज 72, 72 + 8 इज 80, 80 + 20 इज 100। ठीक है ना, इसको ऐड करते हैं। तो ये वाला साइड में है तो इसको हम अलग से लिख देते हैं, दैट इज 24p ना। तो 08। नेक्स्ट 2 4 13 22, 2 कैरी। 3 4 5 8 9 10 11 12, तो दिस इज योर 1 2 2 8 प्लस 24p। ठीक है नाउ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो मीन दे हैव गिवन 16.6। तो 16.6 दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो 1 2 2 8 प्लस 24p बाई एफ आई इज 100। ठीक है नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आ जाएगा 1660, है ना, दो जीरो होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, इट विल गो आउट। तो 1660 दिस इज इक्वल टू 1228 प्लस 24p। Now, इसको इस साइड में लेकर आ जाओ,
तो ये आपका आ जाएगा 1660 माइनस 1228, दैट इज इक्वल टू 24p। तो माइनस करो तो ये आपका आ गया 10 में 8 गया तो 25, 5 में 2 गया इज 3, 6 में 2 गया इज 4, 432 इज इक्वल टू 24p। तो p क्या हो गया आपका, p इज इक्वल टू वी कैन से 432 बाय 24। ठीक है ना, तो इसको हम कट करते हैं वन बाय वन। तो ये आपका 2 से कट कर रहा हूं मैं, तो दिस इज योर 12 और ये आपका क्या आ गया 216। ठीक है ना, इसको फिर से 2 से कट किया, ये आपका आ गया 6, ये आ गया 108। फिर 2 से कट कर रहे हैं, ये आ गया आपका 3, ये आपका आ गया 54। तो इसको 3 से कट करो तो देखो कितना आ रहा है, तो नाउ वी कैन से 1 एंड 24, 24 मींस इट विल कम एज 8, तो p इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।